नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। रोहतक से बड़ी जानकारी है, हुड्डा की सरकार को चेतावनी, इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना करे सरकार, ये बात हुड्डा ने कही। स्वतंत्रता के आंदोलन में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है। भूपेंद्र हुड्डा ने ये बात भी कही, जनता की आवाज को उठाने के लिए हम तैयार हैं, हुड्डा की तरफ से बात भी कही गई। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है, हुड्डा की तरफ से ये बात कही गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता की आवाज को उठाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, रोहतक से बड़ी खबर है, हुड्डा के द्वारा सरकार को चेतावनी दी गई है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ सरकार ना करे। बड़ी और अहम खबर, स्वतंत्रता के आंदोलन में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है, ये बात भी भूपेंद्र हुड्डा ने कही है। जनता की आवाज को उठाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये बात कही गई। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रोहतक पहुंचे थे भूपेंद्र हुड्डा, जहां पर उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ न करें। मून ने कहा था ना, इतिहास स्वतंत्रता नहीं है, वो इतिहास निकल जा रहा, उस बात में कह रहा हूँ। जिनका इतिहास जिनका उठा बनता है, जो हरियाणा का स्वतंत्रता सेना उसमें आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। जैसे 1857 से आप लगाओ, राजा नारायण सिंह को जज नवाब को किस प्रकार से खुलेआम फांसी तोड़ी गई थी, नंबरदार ऊधम सिंह को यहाँ सोनीपत पेड़ पे कील गाड़ के वो उसकी और धर्मपत्नी को भूखा मार के मारा गया था। इस प्रकार से बहुत कुर्बानियाँ हैं 1857 से आप देखो। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में महान नेता यहाँ के रहे हैं। तो वहीं सीएम और कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात पर भी हुड्डा बोले हैं कि आपस में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं तो कुछ शामिल भी हो रहे हैं, किसी काम के लिए भी मुलाकात हो सकती है। भूपेंद्र हुड्डा ने बात कही, मेरी किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं है, ये बात भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा कही गई है। तो सीएम के साथ कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात पर यह बयान उन्होंने दिया है कि कुछ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ शामिल हो रहे हैं, लेकिन मेरी किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं है। सीएम और कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात पर भूपेंद्र हुड्डा का यह बयान सामने आया है, आपस में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ये बात भूपेंद्र हुड्डा ने कही। मुलाकात करना कोई थोड़ा ही है, कोई दुश्मनी थोड़ा ही है, आपस में मुलाकात तो होती रहती है भाई, सबकी होती है आपस में, तो कोई मतलब वो थोड़ा ही है, पाबंदी थोड़ा ही मुलाकात की, कोई काम होगा चले गए होंगे, फिर मुलाकात करना कोई।